हे गाइस, वेलकम बैक टू माय अदर वीडियो। आप सब लोग देख रहे हैं कि गेमिंग आराम फिर से आ चुकी है अगर बहुत ही बढ़िया खतरनाक सा वीडियो लेके। तो गाइस यार, आज का वीडियो को खतरनाक नहीं बोल सकते क्योंकि जो खतरनाक कोड है उससे भी ज्यादा खतरनाक होने वाला है आज का वीडियो। इसलिए गाइस यार, वीडियो को इन तक जरूर से देखना। अगर आप लोगों को वीडियो पसंद आता है तो वीडियो को लाइक कर देना, और अगर आप लोग मेरे चैनल पर देखते हैं सब्सक्राइब भी जरूर से कर देना। होप द गाइस यार, आप सब लोग बहुत ही बढ़िया होंगे। और गाइस यार, बिना देरी करे हम आज की वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो गाइस यार, अपने ननिष्ठा भाई का टाइप से आप लोग जानते हैं, जो कि एनजी गिल्ड के लीडर भी है, और उन्होंने इसमो तिरपालफो और तूफान एफएफ जैसे इतने बड़े बड़े प्लेयर को भी जन्म दिया है। तो गाइस यार, जन्म दिया मतलब आप लोग फिजिकली मत जाना गाइस यार, जो जन्म दिया का मतलब बोल रहा हूँ मैं कि वो दोनों भी ननिष्ठा भाई की वजह से इतना ज्यादा फेमस और पॉपुलर है यार आज के टाइम पे। तो गाइस यार, फाइनली स्मूथ और तूफान से भी एक खतरनाक बंदा आ चुका है यार एनजी में गिल्ड टेस्ट देने के लिए। हाँ गाइस यार, अपने ननिष्ठा भाई ने खुद अपने मुंह से बोला कि वो बंदा तूफान और स्मूथ से भी ज्यादा खतरनाक है। तो गाइस यार, उस बंदे का नाम क्या है यार, उस बात को भी आप इसी वीडियो पे जान लेंगे। यार उस बंदे ने एनजी गिल्ड के लिए 1v6 में गिल्ड टेस्ट भी दिया था, तो यार आसानी से उस गिल्ड टेस्ट को पास कर लेता है और एनजी गिल्ड में भी जाता है। तो गाइस यार, आगे क्या क्या हुआ और कैसे गिल्ड टेस्ट लेते हैं या फिर उस बंदे का नाम क्या था, वो भी आप आगे देख सकते हो। और इतना ही नहीं गाइस यार, वो बंदा तो पास हो ही चुका है गिल्ड टेस्ट में, और गाइस यार उसी बंदे को लेके अपने ननिष्ठा भाई ने NG3 स्क्वाड भी खड़ी किया है। तो गाइस यार, वो भी बात आप लोग छोटा सा क्लिप देख सकते हो। मिलते हैं यहाँ पे एक खतरनाक प्लेयर से, वैसे बहुत बंदों ने गेस कर लिया होगा। और गाइस, इसके लिए हम लोग चैलेंज कुछ खतरनाक ही रखने वाले हैं। बट पहले मेरे क्वेश्चन रहेंगे, खत्री ब्रो वेलकम है तुम्हारा। ओके ब्रो, थैंक यू। अभी थैंक यू बोलने की जरूरत नहीं है भाई, अभी तो ग्रुप में ही वेलकम किया गया है। ओके ओके ओके, टिप क्या है मतलब इसके पीछे, एनजी ज्वाइन करना है और सपोज करो हम लोगों ने NG1 में ऐड कर लिया, जो अभी मेरा मन है गाइस वही है कि हम लोग NG1 में ऐड करेंगे अगर वो चैलेंज कंप्लीट करते हैं जो मैं दूंगा। और NG1 में एज अ फिफ्थ प्लेयर, क्योंकि अभी यार चारों प्लेयर अच्छा खेल रहे हैं, कोई कमी नजर नहीं आ रही है, तो आप कैसे कंप्लीट करोगे जैसे आपको मौका मिलेगा, सपोज कि नॉट अवेलेबल नहीं हुआ, कोई प्लेयर अवेलेबल नहीं हुआ। नहीं, अगर मेरे को चांस मिलता है सर, मैं अपना बेस्ट दूंगा, ठीक है ना। आपको मेरी तरफ से मतलब आपको देखने मिलेगा, मेरे हाईएस्ट के लिए देखने। तो गाइस यार, आप सब लोगों का प्लेयर का नाम तो पता चल चुका है, उसका नाम है खत्री एफएफ। तो गाइस यार, सिर्फ आप लोगों को नाम ही पता चला है कि गाइस उसका गेम प्ले देखने से पहले आप लोग वीडियो को लाइक जरूर से कर देना। तो गाइस यार, मैं ननिष्ठा भाई खत्री एफएफ का चैनल चेक करने वाले हैं, जहाँ पे यार उस चैनल पे उसने एनजी के स्क्वाड को बहुत बार क्लच करके रखा है। तो गाइस यार, वो भी आप छोटा सा क्लिप देख सकते हो। क्योंकि NG1 के अगेंस्ट जब यहाँ पे खेले थे खत्री, काफी क्लचेस यहाँ पे निकले। पहले यही देख लेते हैं, बड़ बड़ी मछली को जाल में। हाँ, ये वाला राउंड वो था जिसमें मैं कह रही कि एनजी प्लेयर्स को देख रहा था और लास्ट में पता चला कि भाई खत्री का क्वेड्रा खत्री ने मार दिया है जरूर है यहाँ पे। तो गाइज, मैंने क्लच नहीं डाला क्योंकि वीडियो लंबा हो जाएगा और आप लोग बोर हो जाओगे। तो गाइज, आपने ननिष्ठा भाई ने तो खुद बोले कि यार खत्री एफएफ ने NG1 की स्क्वाड को खुद क्लच करा था। तो गाइज, आप लोग गिल्ड टेस्ट में क्या होता है वो भी छोटा सा क्लिप देख सकते हो। आई थिंक यार, मैं तुम्हारे लिए चैलेंज रखूंगा कि तुम सिंपल 1v6 निकालो। ओके, क्योंकि 1v6 एटलीस्ट NG1 में आना है तो होना चाहिए, क्योंकि स्मूथ ने बहुत बार निकाल रखा है और खेल के किल्स का भी रिकॉर्ड बना रखा है, और तूफान का भी हो गया, उसने भी इक्वल कर रखा है बिल्कुल रिकॉर्ड। तो अब खत्री को देखेंगे गाइस, 1v6 बंदा बोल रहा है इजी निकालेगा, आखिर क्या ये रिकॉर्ड यहां पे रिकॉर्ड के आसपास या तोड़ पाएगा क्या। पहले तो 1v6 निकालना ही बहुत मुश्किल रहेगा। चले तो कस्टम में मैं एंट्री कराता हूं गाइस, और अपोनेंट्स को बुलाते हैं और करते हैं गेम स्टार्ट यहां पे। तो गाइस, आ चुके हम लोग यहां पे कस्टम में, को अपने नाम कर लिए यहां पे। तो गाइस, नो डाउट खत्री को हम लोग गिल्ड में ऐड करने वाले हैं यहां पे। कितने किल्स किए, 47, ऑलमोस्ट बहुत ज्यादा क्लोज था बंदा रिकॉर्ड के। तो गाइस यार, गिल्ड टेस्ट में यही सब कुछ होता है यार, आपने खत्री भाई एनजी गिल्ड पे भी जाते। तो गाइस यार, एनजी गिल्ड पे जाने के बाद यार खत्री भाई को लेके अपने ननिष्ठा भाई NG3 स्क्वाड भी खड़ी करते, और गाइस जो वहाँ पे NG1 वर्सेस NG3 भी होता है, तो आप लोग देख सकते हो कि कौन जीता, वो भी छोटा सा क्लिप देख सकते हो। यहाँ पे एक्सपीरियंस टीम, जो कि आप लोग बताए कि हर सर्वर में कहीं ना कहीं मौका इसी स्क्वाड को मिलता है, खेलते हैं, स्मूथ है, बादल है, नोटा है और तूफान है, और एक तरफ है कि अभी हम लोगों ने खत्री का, आपको पता है कि नए प्लेयर ऐड हुए एनजी में, पीसी प्लेयर है खत्री। तो उसी वीडियो के कमेंट सेक्शन में हम लोग देखने के लिए मिला था एक कमेंट कि भाई जिसमें इन प्लेयर्स को खिलाओ तुम, R1 खत्री, लेविक, साहम, ए स्टार, इन पांच में से चारों खिलाओ। साहम आज नहीं है किसी इशू की वजह से, तो बाकी प्लेयर्स हैं यहाँ पे। क्या बात है, क्या बात है। ओके, यहाँ पे
कहीं ना कहीं बैक टू बैक यहां पे एमबीपी विद 13 फिनिश यहां पे, और ओवरऑल स्कोर ये रहा, ओवरऑल किल्स आप लोगों के सामने ये रहे यहां पे। तो गाइस द एनजी 1 से एनजी 3 हार जाता है क्योंकि यही तो होना ही था गाइस, क्योंकि यार आगे आप लोग देख सकते हो, हम लोग ऐसा है बोल सकते हैं गाइस यार ओल्ड के नंबर 1 स्क्वाड बोल सकते हैं यार एनजी 1 को, क्योंकि उधर यार स्मूथ, तूफान, बादर और नोटा जैसे इतना अच्छा अच्छा प्लेयर है, इतना मजबूत टीम है। तो गाइस यार इसके बावजूद आपने खत्री भाई ने 10 किल कर लिया है, तो गाइस बोल सकते हैं यार वो बहुत ही अच्छा बंदा है यार, उन दोनों से अच्छा साबित हो सकता है। तो गाइस यार आगे देखने से पहले मैं आप लोगों से एक रिक्वेस्ट करना चाहता हूँ, ना गाइस यार मैं आप लोगों से लाइक शेयर सब्सक्राइब करने के लिए नहीं बोलूंगा, क्योंकि वो तो आप लोगों को पसंद आएगा, आप लोग मेरे से रहना, मेरे से जुड़ना चाहते हो तो आप लोग खुद ब खुद कर दोगे। तो गाइस यार इससे पहले एक और बात, प्लीज यार आप लोग मेरा वीडियो देख के किसी भी बंदे को हेट वगैरह मत देना। तो छोड़ दो गाइस इस बात को, हम आगे बढ़ते हैं। तो गाइस आज का अपना सेकंड न्यूज है रिलेटेड टू टोंडे गेमर। तो गाइस क्या आपने टोंडे भाई इस टाइम के भूया पास पे ग्लोबल पे जाएंगे या फिर नहीं? तो गाइस यार टोंडे भाई ने ग्लोबल पे रहा यार, ज्ञान गेमिंग और डायमंड प्रो जैसे बड़े बड़े यूट्यूबर को भी रिएक्ट करते हुए बोले कि उन्हें नंबर 1 पे जाना चाहिए ग्लोबल पे। तो क्या आपने टोंडे भाई भी जाएंगे या फिर उन्होंने क्या बोल के रिएक्ट करे, तो भी छोटा स्क्रीन पे आप लोग देख सकते हो। दो नंबर पे हूँ इसे, ओके फ्रेंड्स में दो नंबर पे हूँ, वांटेड लियोन करके नंबर 1 पे, कितने बैजेस लिए हैं दोस्तों ने, चलो देखते हैं। 11,000 तस्चीन करके ये बंदा तो पहले भी लेता था यार, इतना बैजेस कैसे लग सकते हैं यार, कितने कमाते होंगे ऐसे, इनको डायमंड मिलता है, डायमंड खरीदते हैं या बहुत पैसे वाले होते हैं पता नहीं चला। ज्ञान भाई भी देखो 11,420, ज्ञान भाई भी 4 नंबर पे, ज्ञान भाई टॉप 1 पे जाओ यार, 4 नंबर पे आपको शूट नहीं करता है, और शूट जनरल करके ये सुल्तान प्रोज है, डायलन प्रोज, ठीक है डायलन प्रोज भाई आपको भी शूट नहीं करता यार, आप भी टॉप 1 पे जाओ, आवारा है ठीक है। मैं कितने नंबर पे हूँ रीजन पे 23 नंबर पे हूँ, और ग्लोबल पे तो हुई ही नहीं, ठीक है। तो गाइस यार जो गेम पे दिवाली स्पेशल बंडल आया है उस पे आपने अमित भाई उसके भाई के साथ रिएक्ट करते हैं यार, तो क्या क्या बोले उन्होंने उस बंडल के बारे में, भी छोटा सा क्लिप आप लोग देख सकते हो। तो गाइस दिवाली आ चुका है और फ्री फायर ने इस बार दिवाली में जो चीज लाया है ना उसको देख के आप सब लोग शॉक हो जाओगे, तो देखिएगा दिखा दो भाई, ये देख सबसे पहले ये एक बंडल है, ठीक है। अरे भाई ये बंडल काफी बढ़िया है, बट इससे भी खास बात इसका बैक में देखना है, इसके बैक में जो चीज दिखेगा ना उसको देख के यार सब लोग एक लाइक तो कर ही देंगे, बंडल बढ़िया है लाइक कर दो। अरे भाई लाजवाब है, ठीक है गाइस। और सिर्फ इतना ही नहीं गाइस, यहाँ पर साई थे दिवाली का अवतार और बैनर है दिया वाला, और सबसे खतरनाक चीज ये वाला बंडल। अरे भाई ओ भाई साहब एक नंबर, अब देखना अब ये सिर का ताज देख, जब बंदा को तू नॉक करेगा तो सिर का ताज अपने आप एक्टिव हो जाएगा, ठीक है। एनिमेशन बढ़िया है, बढ़िया है ना, ये डेजर्ट कलर स्किन है और ये कटाना है, और इसके बाद ये हरा वाला बाइक है और सर। तो गाइस यार आप लोग यहाँ तक मेरा वीडियो देख रहे थे, आप लोगों को वीडियो जरूर से पसंद आया होगा। तो गाइस यार वीडियो पसंद है वीडियो को लाइक कर देना, अगर आप लोग मेरे चैनल को सब्सक्राइब भी जरूर से कर देना। तो गाइस यार अभी तक तो सभी लोगों को पता चल चुका होगा गिल 2.0 आ चुका है। हाँ गाइस यार जैसे ही अपना OB42 का अपडेट आया उसके साथ साथ अपने गिल 2.0 भी आया है। तो गाइस यार गिल 2.0 में तो गिल्ड को VVS मिलने वाला था ना, लेकिन अभी तक तो बड़े बड़े गिल्ड को भी नहीं मिला, आप लोगों को ऐसा लग रहा होगा। तो गाइस यार गिल 2.0 में अपने को VVS मिलने के लिए सबसे पहले तो गाइस यार गिल्ड वार शुरू होना चाहिए, लेकिन यार अभी तक तो गिल्ड वार भी शुरू नहीं हुआ है, और बहुत ज़्यादा गिल्ड को तो यार VVS ही मिल चुका है। हाँ गाइस यार बहुत ज़्यादा गिल्ड को VVS मिल चुका है, उसके बारे में आपने GW मनीष भाई ने थोड़ा कुछ बोले कि आप लोगों को कैसे मिल सकता है VVS और किन किन गिल्ड को मिला है VVS। तो गाइस यार वो बचाने के लिए आप लोग आगे छोटा सा क्लिप देख सकते हो। मैंने गिल्ड वीबैच की, अगर आपको गिल्ड वीबैच मिलता है तो आपके गिल्ड को एक्सपेक्टेड करेगा, तो कुछ इस टाइप से वीबैच देखने मिलेगा। और इसके बारे में मैंने आपको पहले एक्सप्लेन किया था, तो सारा गिल्ड और अभी तक ये इवेंट शुरू नहीं हुआ है, तो इन बंदों को गिल्ड में वीबैच मिला कैसे? शायद मैं गलत भी हो सकता हूँ कि गिल्ड वॉर से हम लोग को वीबैच मिलने वाला है, लेकिन अभी इन लोगों को वीबैच कैसे मिला? पहले यहाँ पे देखो लीडर बोर्ड में जिस गिल्ड का मैं आपको वीबैच दिखा रहा हूँ ये लीडर बोर्ड में 9th नंबर पे है, तो 9th नंबर पे है तो शायद से लीडर बोर्ड में टॉप 15 होंगे ना उनको मिलेगा, पहले मुझे ऐसा लगा था। लेकिन ये तो भाई लाइफ टाइम की ग्लोरी है, लाइफ टाइम की ग्लोरी से कोई मैटर नहीं करता है, हमको हर वीक में जो ग्लोरी मिल रही है, जैसे कि मेरे गिल्ड में इतनी ग्लोरी हुई है, तो जितने भी सब होंगे ना उनका जो टॉप 15 में होगा, जैसे कि मेरे इस हफ्ते में इतनी ग्लोरी हुई है, तो शायद से मैं 100 या फिर 1000 नंबर में होगा, वैसे कोई ना कोई ग्लोरी के मामले में टॉप 15 में होगा, तो शायद से टॉप 15 में है ना उनको ये गिल्ड वी बैच मिल रहा होगा। लेकिन भाई इसका लीडर बोर्ड कहाँ है, हमको पता कैसे चलेगा कि ये लोग भाई टॉप 15 में कौन कौन सी गिल्ड है? तो शायद से वो सब हम लोगों को गिल्ड वॉर जब इवेंट शुरू होगा उसी के बारे में देखने मिल सकता है। और पता नहीं गिल्ड वॉर इवेंट शुरू नहीं हुआ है तो अभी से ही ये गरीना वाले वी बैच क्यों दे रहे हैं, इनके सस्ते नशे कभी खत्म होते नहीं है यार।
तो आज के लिए इतना ही था। तो गाइस थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, लव यू ऑल गाइस, टेक केयर, बाय बाय।